हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे भरवा टमाटर की सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम टमाटर लिए हैं। उसका ऊपर से हम कट लगा देंगे और अंदर से हम उसका पल्प निकाल देंगे। टमाटर को घुमाते जाएंगे और अंदर से सभी पल्प और बीज निकाल देंगे। इसी तरह सारे टमाटर को ऐसे ही पल्प निकाल के तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारे टमाटर के पल्प निकाल लिया है, इसे साइड में रख देंगे। और ये जो पल्प निकला है वो हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉइल्ड आलू लिया है, आधा टेबलस्पून सॉल्ट डाला है, एक टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, आप इसमें आमचूर पाउडर और थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक डाला है, एक टेबलस्पून रेड चिली, सभी को अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग हम टमाटर के अंदर भर देंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर को भर के रेडी कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारे टमाटर भर के रेडी कर लिए हैं और ये जो स्टफिंग बचा है वो हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। अब ग्रेवी हम इस टमाटर को पकाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसमें हम टमाटर को अंदर रख देंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसे ही साइड चेंज करते जाएंगे और जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे ढक के हम दो तीन मिनट के लिए इसे ही पकाएंगे। और ये हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे साइड में रख देंगे और ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें सरसों के दाने और थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें 1 बाउल टमेटो प्यूरी डालेंगे और इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। 1-2 मिनट के बाद चला लेंगे और इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। ग्रेवी हमारी पक गई है, साइड से भी तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम जो मसाला बचा था वो इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छे से सोते कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी को आपको जितनी भी गाढ़ी और पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल के कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक दो मिनट पकाएंगे, फिर हमने जो टमाटर तैयार करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। और इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम देख लेंगे। और ये हमारी टमाटर की सब्जी रेडी हो गई है। इससे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर से ये ट्राई करना। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।